डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने जो संविधान बनाया उसके संविधान को आचरण में लाओ। समता स्वतंत्रता बंधुता की बात तो पेपर पे रह गई है, उसको आचरण में तो लाओ। लोगों का अधिकार सुरक्षित कहाँ है? बोलने मात्र पे तो झूठे केस बना के जेल में डाल दिया जाता है। आज़ादी किस बात का अमृत महोत्सव मनाऊं मैं? आज़ादी तो लगी नहीं, महसूस ही नहीं हो रही। डर के माहौल में लोग जी रहे, नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है। कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे जाति पूछ के हत्या कर दी जाती है। सर जहाँ पे सारी पार्टियाँ एक तरफ महिलाओं की बात करती, महिलाओं के सम्मान की बात करती, वहीं आप एजो आज कर रहे हैं नारियों के लिए, इसका क्या उद्देश्य है आगे चलते? नहीं, आज जो ये आयोजन था, बेसिकली आज 100 साल हुए हैं पार्लियामेंट्री जो भागीदारी है महिलाओं की उसके, और दूसरी तरफ आज महिलाओं का वकालत में आने का भी 100 साल हुआ है। तो जो महिला शक्ति और हमारी संगठन की तरफ से ये आयोजन था जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में महिलाओं की भागीदारी, उस विषय पे बोलने के लिए मुझे बुलाया था। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि महिलाओं को एकदम कमज़ोर समझा जाए और वो काबिल नहीं होती, क्योंकि महिलाओं को जब जब मौका मिला उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित किया, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हों, चाहे मायावती जी रही हों, चाहे जयललिता जी रही हों, चाहे ममता जी हों। तो महिलाओं को जब जब मौका मिला है उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित किया है, उनमें नेतृत्व क्षमता है, उनमें धैर्य, गजब का धैर्य, शायद पुरुषों में इतना धैर्य नहीं होता जितना महिलाओं में होता है, और जो जिम्मेदारी का एहसास महिलाओं में होता है वो बहुत गजब का है। हमें उस सोच को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें समझना चाहिए कि वो धर्मशास्त्र जो महिलाओं को पुरुष का की संपत्ति बताती हो, ऐसे धर्मशास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इंसान इंसान, सभी इंसान को, स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी वर्ण के हों, उनको मुझे लगता है कि बराबर का दर्जा मिलना चाहिए और बराबर दृष्टिकोण से के साथ व्यवहार होना चाहिए। और कोई भी देश हो वो केवल पुरुषों से आगे नहीं बढ़ सकता, अगर महिला और पुरुष दोनों साथ मिलकर आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ वो देश बेहद मजबूत होगा, जहाँ महिला और पुरुष दोनों मिलकर आगे बढ़ती हैं। भारत में भी धीरे धीरे महिलाएं अब हर क्षेत्र में लगभग आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो स्पेस की ज़रूरत है उतना स्पेस नहीं है। आज भी जो चुन के जाती हैं महिलाएं, तो उनका जो ऑफिस का ज़्यादातर काम अभी भी पुरुष देखते हैं, तो उसमें बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। महिलाएँ धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। आप कह रहे हैं महिलाएं अभी तक आगे नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि राष्ट्रपति हैं, वो भी एक महिला ही हैं। देखिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, और महिलाओं को तो हर क्षेत्र में भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे दूसरे मंत्रिमंडल हों, MP हों, MLA हों, हर जगह भागीदारी मिलनी चाहिए। चूँकि देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब दोनों गाड़ी के दोनों पहियों में बराबर हों। अगर एक पहिया थोड़ा छोटा है, एक बड़ा है, तो उसकी रफ्तार उतनी नहीं बन सकती, लेकिन अगर दोनों पहिए बराबर हों तो रफ्तार ज़्यादा होती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जहाँ एक तरफ सब महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो महिला सुरक्षा नज़र नहीं आती दूर दूर तक। देखिए, माइंड सेट है हमारे यहाँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और महिलाओं को लेकर जिस तरह के भाव मन में है और जिस तरह धर्मशास्त्र महिलाओं की स्थिति दिखाई है, उस वो स्थिति भी उसके लिए जिम्मेदार है। ऐसी कोई भी बात जो महिला को संपत्ति दिखाए या महिला को ये दिखाए कि वो पति के लिए बच्चे पैदा करना और उसको खुश रखना वही उसका काम है, ऐसे ऐसे शास्त्रों को हमें किनारे कर देना चाहिए। महिला कोई संपत्ति नहीं है, जिस तरह पुरुष है उसी तरह महिला है। भाई, आजकल एक प्रधानमंत्री जी का एक बयान है जो ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें सोनिया गांधी जी के लिए कहा गया था कि कौन सी विधवा है जो पेंशन ले रही है। देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति बयान देता है तो ये उसका दिवालियापन है। मुझे लगता है कि लोगों को, सबको सम्मान चाहिए, पुरुष हो या स्त्री हो, और आप सम्मान देंगे तो ही आपको मिलेगा। आप एक को अपमानित करते रहें और खुद चाहे आपका सम्मान हो तो ये संभव नहीं है। सर, अगर हम जुडिशियरी की बात करें तो महिलाओं की तादाद वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अभी भी बहुत कम है। इसके पीछे किसको मानते हैं, वजह समाज को? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें महिलाओं की स्थिति बिल्कुल शूद्रों और अछूतों जैसी है। जब तक हम, और हमारे धर्मशास्त्र में भी वो स्थिति दर्शाई गई है,
तो ऐसी व्यवस्था को हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए जो किसी को जाति की वजह से, किसी को लिंग की वजह से, किसी को भाषा की वजह से, किसी को क्षेत्र की वजह से, किसी को वर्ग की वजह से किसी को कमतर आके, हमें ऐसी व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए जिसमें सबको साथ लेके सबको सम्मान के साथ अभी आगे बढ़ने का। कुछ क्षेत्र देखे जाए तो इतने पिछले हैं जहाँ की महिलाएं उभर के नहीं आ पाती बाहर। अभी बहुत क्षेत्र बचे हुए हैं लेकिन सब में भागीदारी की जरूरत है और मुझे लगता है कि देश को तैयार होना चाहिए और लोग तैयार हो भी रहे हैं। सबको हिस्सा शेयर तो देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग की महिलाएं या फिर बहुत ज़्यादा उस एरिया से आती जो उभर के नहीं बाहर आता? मुझे लगता है कि महिलाओं में नैतिक क्षमता है, उनको आगे आना चाहिए और पुरुषों को लिए भी मेरा ये संदेश है कि वो अगर अपने परिवार की भी तरक्की चाहते हैं तो किसी भी परिवार को देख लो जहाँ महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम कर रहे हैं एकजुट होकर, वो परिवार तरक्की कर रहे हैं। सर उसी तरह देश और गांव और हर जगह ये बात लागू होती है। सर लास्ट सवाल है, तुगलकाबाद में बाबा साहब की मूर्ति फिर तोड़ी गई है, इस पे क्या कहेंगे? बेहद शर्मनाक है। अगर सरकार, अगर जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कहता उनकी ज़मीन है तो क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है? मुझे वहाँ से सूचना मिली, क्षेत्रीय विधायक ने मुझे बताया, जो वहाँ क्षेत्र के विधायक हैं सहीराम पहलवान जी, उन्होंने बताया कि वहाँ तो हजारों करोड़ की जमीन बेच खाई नेताओं ने और दबंगों ने, तो ASI क्या कर रहा, सो रहा है क्या, कोर्ट सो रहा है क्या, उस जमीन को क्यों नहीं खाली कराती? आखिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों? बाबा साहब की मूर्ति को जिस तरीके से हटाया गया ये शर्मनाक है। मुझे लगता है जितना अवैध कब्जा हो सारा हटाओ ना, और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो ना, एक जैसा ट्रीटमेंट करो ना। ये नहीं है कि जो ताकतवर है वो तो कब्जा करके बैठा है, और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ किसी ने बेचारे ने झुग्गी डाल रखी है 40 साल 50 साल से रह रहा है उसको हटा दिया, और जिसने वहाँ पे शोरूम बना लिया सरकार की जमीन उसका शोरूम सुरक्षित है। तो दिल्ली सरकार, ये तो माइंडसेट की बात है। दिल्ली सरकार एक्शन लेगी इस पर? दिल्ली सरकार पे अधिकार है क्या केंद्र सरकार के किसी उस पर एक्शन लेने का? ये तो आप सोचो। तो क्या जो सरकार है वो बाबा साहब से प्रेम नहीं करती है जो केंद्र में सरकार है? ये तो जग जाहिर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो संविधान बनाया उसके संविधान को आचरण में लाओ। समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात तो पेपर पे रह गई है, उसको आचरण में तो लाओ। लोगों का अधिकार सुरक्षित कहाँ है? बोलने मात्र पे तो झूठे केस बना के जेल में डाल दिया जाता है। मुझे लगता है इस समय बोलने का कोई जरूरत बोलना चाहिए। आज़ादी किस बात का अमृत महोत्सव मनाऊं मैं? आज़ादी तो लगी नहीं, महसूस ही नहीं हो रही। डर के माहौल में लोग जी रहे, नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है, कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे जाति पूछ के हत्या कर दी जाती है। कहते हर घर में तिरंगा लगाया जाएगा। तिरंगा तो हमारे दिल में है, हमारे हृदय के अंदर तिरंगा है। तिरंगा को हम सम्मान करते हैं क्योंकि हमारा जो देश का जो पहचान है वो गौरव है, लेकिन उसको आपको उसको हाथ में लेने से नहीं बनेगा, उस तिरंगे की भावना को आचरण में उतारना पड़ेगा, तब बात बनेगी।